उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुवाणा स्थित राजेश्वर नंद कॉलोनी से 6 दिनों से एक 4 साल की बच्ची लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों से लेकर ग्रामीण और पुलिस जगह जगह इस बच्ची को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्ची का पता नहीं चला है। 4 साल की ज्योति कहां पर है, किस हाल में है, यह सोचकर ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आदिवासी बहुल ओगना इलाके के राजू और कमला उदयपुर में राजेश्वर नंद कॉलोनी में स्थित कच्चे घर में किराए पर रहकर मजदूरी का काम करते हैं। बीते शनिवार को उनकी 4 साल की बेटी ज्योति घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गई। परिजनों ने आसपास ढूंढा लेकिन पता नहीं चला। इस पर ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, सरपंच और क्षेत्र के लोगों ने परिजनों की मदद की और पुलिस में सूचना करवाई। 100 से ज्यादा जवानों ने पुलिस के भुवाणा क्षेत्र के आसपास के पहाड़ी इलाकों को छान मारा, लेकिन कहीं पर भी इस मासूम बच्ची के बारे में सुराग हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस के अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्योति कहाँ है इसको लेकर उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। क्षेत्र के लोग किसी अनहोनी से डर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि 4 साल की मासूम बच्ची आखिर गई कहाँ। 4 दिन पहले की घटना है। ये भुवाणा में किराए के मकान पर रहते हैं, ओगना साइड के आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनकी लड़की ज्योति, जिसका नाम है, वो घर से निकली और 4 दिन तक अभी घर पर नहीं लौटी है। तो पुलिस ने भी अच्छा सहयोग कर रही है, ढूंढ रहे हैं, और हम ग्रामवासी जितने भी पंचायत में वार्ड पंच वगैरह और गांव के जो मौजूद लोग हैं, वो भुवाणा क्षेत्र, सुखेर क्षेत्र, सपेटिया वगैरह आसपास सब जगह तलाशी कर रहे हैं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। और आगे भी तलाश हमारी जारी रहेगी, कैसे भी करके बच्ची को ढूंढना है हमको। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और किराए के मकान में रहते हैं बेचारे, वो अभी भी उनके राशन वगैरह दिक्कत हो रही थी, तो हमने सहयोग करके उनके राशन भी पहुँचाया।